press the bell icon on the YouTube app and never. पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही एक मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस्लामिक सोसाइटी के लिए भी और भारत के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा अच्छा समय चल रहा है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं जो पहले दब जाया करती थी। शायद ये अवेकनिंग सोशल मीडिया के कारण हो रही है या जिस रीजन से भी हो रही है, बट आई एम सो ग्लैड दैट दीज सब्जेक्ट्स आर कमिंग अप। जमीला जी का वो इंटरव्यू मैंने भी देखा जिसमें उन्होंने हैदराबाद की चाइल्ड राइट्स के बारे में डिटेल में बात करी, और इस विषय को मैंने भी अब से तकरीबन 2 साल पहले नेशनल टीवी पर टीवी डिबेट्स में उठाया था, क्योंकि हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में भारत प्रवास करते हैं, जैसा आप जानती हैं तकरीबन 18-19 स्टेट्स को हम कवर कर चुके हैं, तो जो भी इस तरह के मुद्दे हमें पता चलते हैं हम उसको राष्ट्रीय पटल पर मीडिया में उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें से पिकअप हुए हैं और जिन पर काम भी हुआ है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही सीरियस है मुस्लिम समाज के लिए भी, और अगर भारतीयता के दृष्टिकोण से भी आप देखें हमारे देश में महिला सम्मान बहुत मैटर करता है। अगर कोई बच्ची या किसी नारी के साथ हमारे देश में इस तरह का अपराध हो रहा है कि छोटे। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी दबंग वकील सुबही खान, जिन्होंने पूरे देश के सामने लाइव डिबेट में शोएब जुमाई को कूट दिया था। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज का खास कार्यक्रम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आज सुबही खान बहुत वक्त बाद हमारे साथ जुड़ी है। आप सब जानते हैं सुबही को, बहुत बढ़िया काम करती है और बोलती है, लॉयर भी है और राष्ट्र जागरण अभियान की संयोजिका भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबही। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सो मच अंबर, इट इज एन ऑनर एंड अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सेम हियर, क्योंकि हम लोग जब भी किसी डिस्कशन में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुबही, आज एक खास डिस्कशन के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। आई एम श्योर आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जमीला निषाद जी का, जो कि हैदराबाद से है, उर्दू पोइट भी है, एडिटर भी है और एक्टिविस्ट भी है, एनजीओ उनकी चलती है शाहीन, जिसमें वो हैदराबाद में चाइल्ड ब्राइड्स जो रैकेट चलते हैं, निकाह मोता मिसयार जो कुछ भी होता है उसको लेकर वो काम करते हैं, और उन्होंने काफी डिटेल में जो कुछ हैदराबाद में हो रहा है उसके बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं यही सुबही आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं हैदराबाद में, आज से नहीं बहुत सालों से हो रही हैं, दशकों से हो रही हैं, आखिर ये क्यों होती हैं? इसके पीछे की वजह क्या गरीबी है या इस्लामिक ट्रेडिशंस, जो कि जहां पर मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइंड नहीं है, हमारे लॉज कोडिफाइड नहीं है, क्या वजह आप देखते हैं? अंबर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही एक मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस्लामिक सोसाइटी के लिए भी और भारत के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा अच्छा समय चल रहा है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं जो पहले दब जाया करती थी। शायद ये अवेकनिंग सोशल मीडिया के कारण हो रही है या जिस रीजन से भी हो रही है, बट आई एम सो ग्लैड दैट दीज सब्जेक्ट्स आर कमिंग अप। जमीला जी का वो इंटरव्यू मैंने भी देखा जिसमें उन्होंने हैदराबाद की चाइल्ड राइट्स के बारे में डिटेल में बात करी, और इस विषय को मैंने भी अब से तकरीबन 2 साल पहले नेशनल टीवी पर टीवी डिबेट्स में उठाया था, क्योंकि हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में भारत प्रवास करते हैं, जैसा आप जानती हैं तकरीबन 18-19 स्टेट्स को हम कवर कर चुके हैं, तो जो भी इस तरह के मुद्दे हमें पता चलते हैं हम उसको राष्ट्रीय पटल पर मीडिया में उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें से पिकअप हुए हैं और जिन पर काम भी हुआ है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही सीरियस है मुस्लिम समाज के लिए भी, और अगर भारतीयता के दृष्टिकोण से भी आप देखें हमारे देश में महिला सम्मान बहुत मैटर करता है। अगर कोई बच्ची या किसी नारी के साथ हमारे देश में इस तरह का अपराध हो रहा है कि छोटी बच्ची की शादी कर दी जा रही है, शादी भी शब्द में उसको नहीं देना चाहिए अंबर, इसको एक तरह का आप सेक्स ट्रैफिकिंग कह दीजिए या फिर आप इसको लीगल प्रोस्टिट्यूशन कह दीजिए,
कि एक निकाह के नाम पर छोटी छोटी माइनर बच्चियों को बेच दिया जाता है। जब हम लोग प्रवास करते हुए हैदराबाद पहुंचे थे तो कुछ केसेस मेरे सामने भी आए थे जिसमें मुझे पता चला था कि अरब से बूढ़े शेख आते हैं, उनकी उम्र मैटर नहीं करती, वो 60 की हो, 70 की हो, 80 की हो, इट डजंट मैटर, और वो 12 साल की बच्ची से भी निकाह कर सकते हैं मिसयार निकाह के नाम पर। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करती हूँ कि अगर आप नहीं जानते, आप गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं, मिसयार निकाह का जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है वो ट्रेवलर्स मैरिज होता है, यानी कि कोई मुस्लिम पुरुष जितने समय के लिए यात्रा कर रहा है उतने समय के लिए वो शादी कर सकता है। 1 हफ्ते की यात्रा है तो 1 हफ्ते की शादी, 1 महीने की यात्रा है तो 1 महीने की शादी, 1 रात की यात्रा है तो 1 रात की शादी, और जब वो यात्रा खत्म होती है तो वो शादी भी खत्म हो जाती है। उसका एक फिक्स अमाउंट तय होता है, और जो नॉर्मल वाइफ के जो हुकूक होते हैं, अधिकार होते हैं अपने हस्बैंड पर, या एक लीगल मैरिज के जो राइट्स होते हैं, ऐसा कुछ भी उनको, लड़कियों को नहीं मिलता है। और ये मैं ये मानती हूँ कि एक ये डबल अटैक है कि एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज हो रही है, निकाह के नाम पर आपको बेचा जा रहा है, दूसरा अटैक ये है कि माइनर बच्चियों के साथ हो रहा है। अगर चलिए, अगर आपने एक एज ये भी फिक्स की होती कि 18 साल की लड़की, या फिर म्यूचुअल होता कि लड़की की अपनी कंसेंट भी है, तो उसको एक तरह से मैं लिव इन रिलेशनशिप या एक म्यूचुअल कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप भी मान लेती, अगर एज अ प्रोग्रेसिव और एज अ मॉडर्न माइंडसेट हम सोचने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ ना तो कुछ म्यूचुअल है, ना ही यहाँ कुछ लीगल है, ना ही यहाँ पे जो रिलेशनशिप में बच्ची जा रही है वो मैच्योर है, एडल्ट है। कहते हैं कि शरिया के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ऐसा एक भ्रम फैलाया जाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी, अंबर आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, आजकल क्लाइमेटिक इमरजेंसी है, गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो आजकल बहुत छोटी बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। 11 साल की बच्ची को, 12 साल की बच्ची को भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। बस तो सात आठ उनका साल ये की मानना है बच्चियों कि से हो रहे हैं। पीरियड स्टार्ट हो गए बहुत जल्द। वो लोग ये कहते हैं कि शरिया में आप पीरियड स्टार्ट होते ही निकाह कर सकते हैं, तो इन छोटी छोटी बच्चियों को बेचा जाता है मिसयार निकाह के नाम पर। और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम सोचें कि ये क्यों हो रहा है, ये गुर्बत के कारण हो रहा है या इस्लामिक प्रैक्टिसेस के कारण हो रहा है, तो मुझे इसका जवाब लगता है कि दोनों ही कारण है। क्योंकि जो भी बच्चियां इस अपराध में धकेली जाती हैं वो बहुत ही गरीब परिवारों से आती हैं, और जैसे जमीला जी के इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी है, उन्होंने कुछ मोहल्लों के इलाकों के ऐसे नाम बताए जहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लोगों के अपने बंगले बन गए सिर्फ इस काम के तहत, अपनी बच्चियों को बेचकर उन्होंने अपने बड़े बड़े मकान बना लिए। उसमें से एक केस का तो उन्होंने उदाहरण दिया, जो बच्ची मर गई थी, 6 महीने में वो बच्ची मर गई थी सेक्सुअल अब्यूज के कारण, और उसकी माँ को वो घर मिल गया था जिस घर के लिए उसने अपनी बच्ची को बेचा था। तो मुझे लगता है कि गुर्बत भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि आपने उसको रिलीजन से भी जोड़ दिया, तो माँ बाप को वो गिल्ट भी नहीं होता कि हम अपनी बच्ची को बेच रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उस अपराध को जस्टिफाई कर देते हैं, अपने उस गिल्ट को जस्टिफाई कर देते हैं, और अपनी अंतरात्मा को मना लेते हैं कि नहीं, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, ये तो शरिया के हिसाब से जायज है। तो ये दोनों ही कारण है कि आपने, क्योंकि इसको शरिया के हिसाब से लीगलाइज करार दिया है इसलिए भी माँ बाप कर रहे हैं, और अपनी गुर्बत से बाहर आने का उनको एक मौका मिल रहा है इसलिए भी माँ बाप कर रहे हैं। और कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे भी आए हैं जहाँ पे दबाव बना के, कोएर्स करके और प्रेशराइज करके माइनर बच्चियों को या उनके परिवार वालों से उन बच्चियों को खरीद लिया जाता है और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। एब्सोल्युटली, लेकिन तुम्हें एक सवाल आज के दौर में बड़ा निकल कर आता है। 1400 साल पहले, 1000 साल पहले रहा होगा कि किसी छोटी बच्ची की शादी किसी बुजुर्ग शख्स से करा दी जाती होगी, लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ पर हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, सबके राइट्स डिफाइंड हैं, ऐसे में ये ऑब्सेशन जो नजर आता है खासतौर से मुस्लिम पुरुषों में कि उनको छोटी बच्ची से जो शादी करनी होती है, आखिर ये क्या ऑब्सेशन है कि आपको 8 साल, 12 साल, 15 साल की बच्ची से निकाह करना है? देखिए अंबर, पीडोफिलिया के बारे में हम लोग जितना पढ़े, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये आज के समाज की एक सच्चाई है कि समाज में पीडोफिलिया है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि छोटी उम्र के लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को
बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और एक तरह की एक मानसिक बीमारी है जो समाज में है, इसे नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज की बच्चियां खास तौर से इससे इसलिए त्रस्त हैं क्योंकि हमारे समाज में स्पेसिफिकली कुछ अपराधों को शरिया के नाम पे लीगलाइज करके किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो वैलिडेट करता है आपका रिलीजन, आप अपने ये ज्यादातर मुस्लिम समाज की बच्चियों के साथ हो रहा है। दूसरे समाजों में अगर हो भी रहा है तो भी उसमें फिर भी एक डर है, उसमें फिर भी एक गिल्ट है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या किसी के सामने आ जाएगा तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं करने में एक झिझक है, एक हिच है। हमारे यहाँ वो हिचक और वो डर नहीं है, हमारे यहाँ एज अ मैटर ऑफ राइट किया जा रहा है क्योंकि उसको आपने जस्टिफाई कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है, शरिया की स्टैंप लगा दी है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग मोर इन मुस्लिम सोसाइटी, अदरवाइज इट इज अ ग्लोबल पैंडेमिक। आप जो है पीडोफाइल्स आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे, और आप जो है सेक्सुअल प्रेडेटर्स आप देखिए, स्टैटिस्टिकली देखिए, छोटी छोटी बच्चियां, तो छोड़िए छोटे छोटे बच्चों को, इवन लड़कों को आजकल सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और सुबही खान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।